हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्रिस्पी फ्राइड चाप बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम मटन चाप। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाप के साथ सारे मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। इस पर लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे और लीड को खोल कर इसे एक बार चेक करेंगे। चापें हमारी पक चुकी है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसलिए गैस की फ्लेम को हाई करके इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे। चाप की कोटिंग तैयार करने के लिए हम एक बोल में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 2 टेबलस्पून चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून भुनी हुई कस्तूरी मेथी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और 1 टीस्पून चाट मसाला। और ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कोटिंग तैयार है। अब हम इसमें चाप ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चाप को रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए ठंडा करने के बाद इसमें ऐड किया है। तो अब हमारी चाप फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाप को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चाप ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे एक तरफ से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाप अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी चाप बनकर तैयार हुई है और इसका कलर भी कितना मज़ेदार है। और हम बाकी की चाप को भी इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है क्रिस्पी फ्राई चाप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।